नमस्कार। तो हम सभी आज यहाँ पर दिखने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने के पहले भारत में जो भी पार्टीज थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, उनके बारे में जानेंगे। और ये अपना एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है MUPSC 60 डेज के क्रेश कोर्स, और इसे मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। मेरा नाम है अमित कुमार, और इस कोर्स का शेड्यूल जो है मंडे टू सैटरडे रहता है, शाम रात 8 बजे। और ये सारे सोशल मीडिया है जहाँ पर आप हमें मिटोपीडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। तो देखिए, इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। एक पहला वो जो बंगाल में स्टेब्लिश हुआ, दूसरा वो जो कि बम्बई में हुआ, तीसरा वो जो कि मद्रास में स्टेब्लिश हुआ, और चौथा वो जो कि लंदन में स्टेब्लिश हुआ। एक एक करके चारों को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बारी आएगा वैसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो बंगाल में स्टेब्लिश हुए। तो गाइज, बंगाल में सबसे पहले जो हमें दिखता है, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्टेब्लिश हुए थे, वो पहला नाम हमें यहाँ पर दिखता है लैंड लॉर्ड सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, लैंड लॉर्ड्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। ये स्टेब्लिश हुआ था 1838 में, और इसके फाउंडर हुआ करते थे द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर कलकत्ता में ये स्टेब्लिश किए थे, कलकत्ता में। ये कह सकते हो कि ना भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, इस तरह के लोग हुआ करते थे। इनका मेनली टारगेट राजनीति कम था, इकोनॉमी अधिक था। क्यों? क्योंकि यहां पर बात किया गया था कि लैंडलॉर्ड्स जो है जमींदारों का सुरक्षा कैसा हो, जमींदारों को कुछ पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलना चाहिए। और ये जो सवा था, इंग्लैंड में एक एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसका भी इसे सपोर्ट मिलता था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका इसे सपोर्ट मिलते रहता था। फिर इसी के बाद, इसी के तर्ज पर एक और इंस्टीट्यूशन आता है 1843 में, नाम था इसका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जॉन थॉमसन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ, कुछ इंडियंस को शामिल किया गया और कुछ अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजों को, एंग्लो, इन दोनों को शामिल किया गया, और इनका एक संगठन यानी टीम बनाया गया। टारगेट क्या था कि जो इंडियन है, भारतीय हैं, उनके न्याय के लिए काम करना, उन्हें न्याय दिलाना शांतिपूर्ण तरीके से, देश के लिए, देश के लोगों के लिए था। अच्छा व्यवस्था आया। फिर 1851 का वक्त आता है, यहां पर एक नया पार्टी आया जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और इसने क्या किया कि लैंड लॉर्ड्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को इसने आपस में जोड़ लिया, और जोड़ करके बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। टारगेट क्या, लैंड लॉर्ड्स का हेल्प करना, लैंड लॉर्ड्स के लिए मेनली ये बना था। इसमें ये कोशिश किया जा रहा था कि कैसे जो जमींदार हैं उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिले, उनके साथ अंग्रेजों का कुछ गलत ना हो जाए, मतलब अंग्रेज उसके कुछ नुकसान ना कर दे, या किसानों से कुछ नुकसान ना हो जाए, इसी चीज का, यानी जमींदारों के पावर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। यहां पर ये जमींदार, भले जमींदार के पावर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन ये जमींदार रिस्पॉन्सिबल जमींदार हुआ करते थे जो इस सोसाइटी में थे। ये जमींदार किसानों के लिए भी काम करते थे, इन्हें पावर मिला, ये अपने पावर का इस्तेमाल किसानों के हेल्प के लिए भी कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से आप नहीं बोल सकते हो कि ना जमींदार वैसे जमींदार लोग थे जो अपने फायदे देख रहे थे और किसानों का नुकसान देख रहे थे इस सोसाइटी में। फिर बाद में और भी छिटपुट आते हैं, जैसे इंडिया लीग आया, इंडिया लीग ये आया 1875 में, शिशिर कुमार घोष कोलकाता में स्टेब्लिश किए थे। इसका टारगेट था कि लोगों में नेशनलाइजेशन लाना, नेशनलाइजेशन राष्ट्रवाद, लोगों में विचार आए कि मेरा देश मेरा भारत, इस तरीके से एक बहुत बड़ा
बेहतर और बहुत बड़ी बड़ी पार्टी इस बार स्टेब्लिश होगी, जो कि 1876 में स्टेब्लिश हुई कोलकाता में। इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। ये जो इंडियन एसोसिएशन है भारत संघ, इसमें सुरेंद्र नाथ बेनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों मिलकर इसे एस्टेब्लिश करते हैं इंडियन एसोसिएशन को। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इसका मेन टारगेट क्या था, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, साधारण क्लास के लोग हैं, उन्हें इसमें शामिल करना, उनके लिए कुछ काम करना। मतलब ये नो डाउट जमींदार की संस्था थी, लेकिन इसमें जमींदारों के बजाय मिडिल क्लास के लोगों को अधिक तरजीह दिया गया, किसानों को भी नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को अधिक यहाँ पर वेटेज दिया गया है। यहां पर बोला गया कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं सोचता, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। चलिए, जैसे ये बंगाल में बन रहा था, उसी तरह पर बंबई में भी स्टेब्लिश हुआ। बंबई में पहला आया बंबई एसोसिएशन। ये 1852 में स्टेब्लिश होता है दादा भाई नरोजी। इन्होंने स्टेब्लिश किया था। इनका इस एसोसिएशन का काम क्या था, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, सलाह मशवरा देना। ये बोले कि ना भारतीयों का के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, जहां पर इंडियंस जाए, जैसे आज पार्लियामेंट है ना, उसी का सेशन दे रहे थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए जहां पर इंडियंस जाए, वो अपने अपनी समस्याओं को आपसे शेयर करें, अपना सेशन दें आपसे, मतलब गवर्नर से, और गवर्नर उस पर काम करें। इसी तर्ज पर एक और संस्था था, इसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये नॉर्मली बहुत सारे किताब में लिखा है 1867 में, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा है कि नहीं 1870 में एस्टेब्लिश हुआ, विवादित है, इसलिए मैं दोनों लेके चलता हूँ। इसे एस्टेब्लिश किए थे महादेव गोविंद राणाडे और गणेश वासुदेव जोशी। ये दोनों मिलकर इसे एस्टेब्लिश करते हैं। इनका टारगेट क्या था कि जनता को सरकार के, गवर्नमेंट के इंडिकेशन से रूबरू कराना, यानी गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट से जनता को रूबरू कराना, कि जनता को भी तो पता चले कि सरकार है क्या, क्या करती है, क्यों करती है, इन सभी चीजों के बारे में। ये जो थे, ये भी बोलते थे कि ना इंडियंस का को इलेक्ट होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए इंडियन में, और इलेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्ट पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो उस वक्त ब्रिटिश सांसद में जाने का बात कर रहे थे कि इंडिया में इलेक्शन हो, जी इलेक्टेड मेंबर को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एमपी बनाना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहां पर बैठ के वो भारत के लिए बात करेंगे। ये जमींदारों, मिडिल क्लास, किसानों सबों के हित का बात भी किए थे। इसके अलावा फिर आता एक बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी मिलकर एस्टेब्लिश किए थे। इसमें बोला गया क्या कि बंबई में जो नागरिक हैं, वो नागरिकों की एक सभा होना चाहिए, है ना, और उस सभा में लोग मिलकर के ये तय करेंगे कि हमारा डिमांड क्या है, तो एक कॉमन डिमांड पता चलेगा सभी लोगों का, और उस कॉमन डिमांड को अंग्रेजों के सामने ले जाया जाएगा। चलिए, इसी तर्ज पर मद्रास में भी एस्टेब्लिश हुआ, और मद्रास में सबसे पहले आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, ये कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का ही एक ब्रांच था। इसका भी टारगेट क्या था कि अंग्रेज के सारे नियम कानून व्यवस्था से जनता को रूबरू कराना, और जनता में रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखना,
इसी तर्ज पर आया 1884 में मद्रास में मद्रास महाजन सभा। ये महाजन मद्रास महाजन सभा जो है राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू मिलकर एस्टेब्लिश करते हैं। इनका टारगेट होता था कि इनका यानी डिमांड था कि एक विधान परिषद बनाया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया जाए। उसके अलावा ये मेनली किसानों के लिए अधिक बात कर रहे थे, जो पीजेंट थे किसान थे उनके लिए मेनली ये ज्यादा बात करते थे। इसी तर्ज पर कुछ भारतीयों ने ब्रिटेन में भी जाकर एस्टेब्लिश किया कुछ सोसाइटी, जैसे लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश किए थे। उसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मनमोहन घोष, ये सारे थे। इसमें डब्ल्यूसी बनर्जी भी थी। इनका टारगेट था कि ना ब्रिटेन में न्यूज़पेपर हम लोग छापेंगे प्रेस, और प्रेस में अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो गलत हरकत किया जा रहा है वो बताएंगे, ताकि ब्रिटेन की जनता को पता चले कि उनकी सरकार कितनी घटिया है, कितनी गई गुजरी है, भारत के लोग के साथ कितना अन्याय कर रखी है। तो ये ब्रिटेन में प्रेस के माध्यम से ब्रिटेन की जनता को ब्रिटेन के पार्लियामेंट के खिलाफ भड़काने के लिए बनाया गया था। इसी तर्ज पर 1866 में एक और बनता जिसका नाम था ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ये जो ईस्ट इंडिया सोसाइटी था इसके फाउंडर हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके फाउंडर थे। बोले क्या इनका टारगेट क्या था कि जो ब्रिटिश जनता है उसे और ब्रिटेन के सांसद को ये पता चलना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। ये भी उसी तरह था कि ब्रिटेन की के सिटीजन, वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग और वहाँ की पार्लियामेंट को पता चले कि इनके लोग भारत में क्या कर रहे हैं, इनकी कंपनी भारत में क्या कर रही है। साथ ही साथ ये चाहते थे कि भारत के लिए कुछ ये सब व्यवस्था दें, भारत के लिए कोई एक नया संविधान लाए, या भारत को आज़ाद करे, या भारत के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करें जहाँ पर इंडियंस पहुँचे और अपने अपने विचारों को अंग्रेजों के सामने रखें, और अंग्रेज वो हम भारतीयों के विचारों को सुने और उस पर नियम कानून बनाए। यानी कुल मिलाकर के इंडिया के लिए पार्लियामेंट का ये बात कर ले रहे थे कि इंडिया में एक पार्लियामेंट बनाया जाए, वहाँ पर इंडियंस पहुँचे रिप्रेजेंट होकर के, जैसे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुँच रहे थे, सब अपना विचार रखेंगे और उनके विचारों में मेजोरिटी के आधार पर पास कराया जाएगा बिल और उसे लागू कराया जाएगा, जैसे आज पार्लियामेंट में होता है। तो आप बोल सकते हो कि ना वर्तमान में जो भारत है, आज के भारत का जो भी व्यवस्था है, कानून है, नीति नियम है, उसके जैसे उसके तर्ज पर बनाने का पूरा प्रयास किया गया था पहले भी। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं जो कांग्रेस के आने के पहले एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और भारतीयों को ये समझ में आने लगा था कि अगर देश को आजाद करना है, अगर हमें पावर चाहिए, अपने समाज का, अपने देश का स्थिति सुधारना है, तो कुछ करना होगा, कोई राजनीति की तरफ बढ़ना होगा। और ये सब कहीं ना कहीं फाउंडेशन था। इस फाउंडेशन के आधार पर ही फिर कांग्रेस बनती है और उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ पाते हैं, क्योंकि पहले से वो जान चुके थे कि जुड़ना तो है, और वैसे में जब कांग्रेस बनी तो अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ने लगे, और जुड़ने के बाद क्या होता है वो सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कांग्रेस आई तो और क्या क्या की, और कांग्रेस कैसे आई, कैसे देश आजाद हुआ, सारी चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने है।